हाँ जय हिंद। आप लोगों का जो हाफ लॉन्ग का सेंटर गया किन ट्रेड का वॉशरमैन का 2022 की जो रिक्रूटमेंट रैली है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी से दे दे रहा हूँ, नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी अभी से करना है। आज आपका ये अगस्त लास्ट चल रहा है, आज आपका कितना 28 अगस्त शायद है ना, अब नहीं पता। अब देखिए 1 सितंबर से रैली शुरू है, अभी भी जिनके पास टाइम है अपना चेस्ट पे वर्क करने के लिए, स्पेशली चेस्ट में वो चेस्ट अपना मजबूत कर लें, उसको जितना आपका एक्सपेंशन मांगता है, जितना मिनिमम चेस्ट मांगता है, कितना मांगता है आपका 80 सेंटीमीटर, 80 से 85 यानी 80 सेंटीमीटर आपका मिनिमम रहना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, तो कितना हुआ 80 से 85 के बीच में। यह सभी लोगों के लिए है और जो अदर कैटेगरी में आते हैं जैसे कि पहाड़ी इलाके से, हिल एरिया से, गढ़वाली कुमाऊनी या गोरखा वाले हो गए और हिमाचल के लोग हो गए, उन लोगों के लिए जो भी आपका मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कितना है 78 से 83 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप लोग उसके हिसाब से अपने चेस्ट को मेजर कर लीजिएगा। अभी इसका कारण मैं बताऊंगा क्यों। और एसटी वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले 76 से 81 सेंटीमीटर, ये आपका क्राइटेरिया है। तो इसमें क्या है कि हाफ लॉन्ग में बहुत ज्यादा रिजेक्शन होता है आपका। सबसे पहले तो रनिंग में बहुत ज्यादा रिजेक्शन हो जाता है, जो लोग रनिंग में क्वालिफाई करते हैं, फिर चेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट को 2021 वाले रैली में चेस्ट में आउट कर दिया गया था, उनका लगभग लगभग हो रहा था। जैसे और रैली में गए थे तो मेजरमेंट में वो क्वालिफाई हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद फेल हो गए थे। मेरे साथ के लगभग 3-4 लोग थे सिर्फ चेस्ट में आउट हुए थे, तो आप समझ सकते हो कि कितना वहाँ पे स्ट्रिक्ट है चेस्ट का। तो यही है आपसे कि आप अच्छे तरीके से जितना हो सके अपना चेस्ट पे वर्कआउट जो भी करना है, चेस्ट को बढ़ाने के लिए वहां पे फुलाना कैसे है, इन सब में आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कुछ लोगों का तो चेस्ट ही नॉर्मल पे नहीं आ रहा था, मिनिमम जितना चाहिए 80 सेंटीमीटर में ही आउट हो जा रहे थे और फुलाव में 84 तक ही जा रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा देख लीजिएगा। और वहाँ पे अकोमोडेशन का यहीं पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि थोड़ा वहाँ पे बच उच के रहिएगा, क्योंकि जो लोग बाहर रुकेंगे वो थोड़ा सा ग्रुप में रहिएगा, यही है आपसे, ठीक है। ये वाला भावना मत लिए रहिएगा किसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं, साथ में रहिएगा। अभी तो एग्जामिनेशन के बाद तक एग्जामिनेशन में जो करना हो करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।